आप सुन रहे हैं ब्रोकन प्रॉमिस पॉकेट एफएम पर मेरे यानी आरजे सोना के साथ। शौर्य कॉल पिक कर दबी हुई इरिटेटेड आवाज में बोला, क्या हुआ? मैंने तुम्हें मना किया था ना, मुझे ऑफिस आवर्स के बाद फोन मत किया करो। उसकी ये बात सुन कॉल के दूसरे साइड से एक लड़की रोते हुए बोली, शौर्य। वो लड़की सिसकियां भरती हुई लगातार बस रोई जा रही थी। उसका ऐसे रोना सुनकर शौर्य ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो लड़की खुद को किसी तरह संभालते हुए बोली, आई एम सॉरी इतनी रात में कॉल करने के लिए शौर्य, मैंने तुम्हें कुछ मैसेज किया है, वो देखो। ये बोलकर उसने झट से कॉल कट कर दिया। उसके ऐसे अचानक कॉल काटने से शौर्य और परेशान हो गया, और जब उसने अपना व्हाट्सएप खोला तो देखा उसमें डीना के 10 मैसेजेस थे। उसने खोलकर देखा तो उसमें किसी मेडिकल रिपोर्ट की पिक्चर्स भी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब उसने पिक्चर्स को जूम करके देखा तो उसमें लिखा था, सिटी हॉस्पिटल एग्जामिनेशन रिपोर्ट HCG 1282, प्रोगेस्टेरोन 32, डायग्नोसिस 4 वीक प्रेग्नेंट। 4 वीक प्रेग्नेंट, ये लाइन उसने दोबारा पढ़ी। उसकी आंखें जैसे उस लाइन पर अटक सी गई थी। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसका दिमाग चलना बंद हो गया था। वो घर के गार्डन एरिया में गया और सिगरेट जलाई। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसने सीने पर एक बहुत भारी चीज रख दी हो। अपनी आंखें बंद करते ही उसके सामने मायरा का चेहरा आ गया। आई एम सॉरी मायरा, अपने मन में ये बोलते हुए उसने डीना को कॉल किया और कहा, मैं तुमसे कल मिलकर बात करता हूँ, बाय। फिर बिना उसके कोई बात सुने उसने तुरंत कॉल कट कर दिया। वो वापस अपने बेडरूम में गया और बेड पर बैठकर मायरा को देखने लगा। मायरा की आंखें बंद थी। उसे लगा वो सो चुकी है। उसने उसके फोरहेड को किस करते हुए धीमी आवाज में कहा, सॉरी जाना। ये सुन मायरा मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़कर बेड के दूसरी साइड मुड़ गई। शौर्य उसे जगा देख थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके पीछे लेट गया। कुछ देर बाद वो खुद को एक्सप्लेन करने लगा, वो ऑफिस में वर्क प्रेशर ज्यादा। वो आगे कुछ कहता इससे पहले ही मायरा उसे बीच में रोकते हुए बोली, कोई बात नहीं, सो जाओ अब। और शौर्य के कंधे पर अपना सर रखकर सो गई। काफी देर हो चुकी थी लेकिन शौर्य को नींद ही नहीं आ रही थी। बहुत कोशिशों के बाद वो बेड से धीरे से उठकर अपने रूम की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसे डीना की रिपोर्ट से बेचैनी होने लगी थी। उसने मुड़कर मायरा को देखा जो अब गहरी नींद में सो चुकी थी। वो कमरे में रखी वुडन चेयर पर जाकर बैठ गया। बेड के ऊपर एक बड़े से फ्रेम में उसकी और मायरा की शादी की फोटो लगी हुई थी, जिसमें दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मायरा मायरा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बेड के साइड में देखा तो शौर्य वहां नहीं था। उसके कल रात के कपड़े बेड के नीचे बिखरे पड़े थे। कल रात के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने घड़ी की तरफ देखा तो 8 बज रहे थे। कल रात उसे अच्छी नींद आई थी कि आज सुबह वो जल्दी उठ ही नहीं पाई।
उसने फोन चेक किया तो उसमें शौर्य का मैसेज था। गुड मॉर्निंग जाना, आई एम लीविंग, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ये मैसेज पढ़ उसका चेहरा जैसे खिल उठा। उसने मुस्कुराते हुए शौर्य के मैसेज का रिप्लाई किया। उसे रिप्लाई कर जब उसने बाकी नोटिफिकेशंस चेक किए तो उसने देखा कि उसकी दोस्त श्रेया के 5 मिस्ड कॉल्स थे। वो कुछ याद करते हुए बड़बड़ाई, अरे याद आया, आज तो मुझे इसके साथ वॉक पर जाना था। खुद में बड़बड़ाते हुए वो जल्दी से उठकर तैयार होने चली गई। कुछ ही देर में मायरा पार्क पहुंचकर श्रेया को ढूंढी रही थी कि श्रेया ने दूर से हाथ हिलाया। श्रेया थोड़ा गुस्से में थी। मायरा ने उसके पास आकर मासूम सा चेहरा बनाकर उसे मनाते हुए कहा, आई एम सो सॉरी, मुझे फोन की आवाज ही नहीं सुनाई दी सोते हुए, प्लीज प्लीज सॉरी। वो इतनी क्यूटली बोल रही थी कि श्रेया मुस्कुरा दी। उसका गुस्सा तुरंत गायब हो गया। श्रेया मायरा की कॉलेज टाइम से दोस्त थी। उसने कहा, कोई बात नहीं, और बता कैसी है। उस मुस्कुराहट के बाद अब श्रेया के चेहरे पर बेचैनी नजर आ रही थी। मायरा बहुत एनर्जी के साथ वॉक करती हुई मुस्कुरा कर बोली, अच्छी हूँ, मुझे क्या होगा। कुछ सोचने के बाद श्रेया ने फिर से पूछा, मायरा कल रात शौर्य घर आया था। उसका ये सवाल सुन मायरा को कुछ डाउट हुआ। उसने पूछा, हाँ आया था, क्या हुआ, क्यों पूछ रही है। श्रेया ने बात संभालते हुए कहा, अरे नहीं, वो शौर्य बिजनेस की वजह से कितनी बार घर नहीं आता ना, तो बस इसीलिए। वो अपनी ही बात बीच में काटते हुए श्रेया ने फिर से पूछा, मायरा तुम दोनों के बीच सब ठीक तो चल रहा है ना। हाँ, मायरा के चेहरे की खुशी ही बता रही थी कि वो शौर्य के साथ कितनी खुश है। फिर श्रेया ने कैजुअली उससे अपनी बात कही, अच्छा है, फिर भी तू उस पर थोड़ी नजर रख, इन लड़कों का कोई भरोसा नहीं होता। श्रेया ये बात ऐसे ही नहीं कह रही थी। उसने कल शाम शौर्य को किसी के साथ देखा था। वो उसके पास जाती उससे पहले ही शौर्य किसी लड़की का हाथ पकड़ के एक कैफे के अंदर चला गया। श्रेया को ये देखकर बहुत गुस्सा आया था, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी दोस्त को उसके प्यार का सच बता सके। और फिर उसे भी ये लगा कि शायद ये उसका वहम हो। वहीं श्रेया की बात सुन मायरा ने शौर्य को डिफेंड करते हुए कहा, हाँ लेकिन शौर्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम सब जानती तो हो वो कितना प्यार करता है मुझसे, वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इस बात पर श्रेया ने फोर्सफुली स्माइल कर दी। श्रेया के सामने अपने प्यार को सही बता मायरा मन ही मन सोचने लगी, मगर कल रात शौर्य के फोन पर इतने मैसेज काम के तो नहीं आ सकते, कुछ तो है जो शौर्य मुझसे छिपा रहा है। वहां ऑफिस में आज सुबह से ही शौर्य बहुत स्ट्रेस में था, उसका काम में फोकस ही नहीं लग रहा था। तभी उसके केबिन का फोन बजा। उसके फोन उठाते ही उसकी सेक्रेटरी नेहा ने कहा, सर आपसे मिलने मैम आई है। शौर्य समझ गया कि वो डीना ही हो सकती है। उसने कहा, अंदर भेज दो, और हाँ मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मैं आज किसी से नहीं मिलना चाहता। ओके सर, आई विल डू इट। ये बोल नेहा ने फोन रख दिया। कुछ ही सेकंड्स में डीना शौर्य के केबिन में आई। शौर्य ने उसकी तरफ देखा। उसने ब्लैक टैंक टॉप के साथ ब्लू डेनिम जीन्स पहनी थी, जिसमें उसका फिगर बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी आंखें बहुत सूजी हुई लग रही थी, जैसे वो रात भर रोई हो। उसके फेस पर कमजोरी सी नजर आ रही थी, पर इन सब के बाद भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। डीना मायरा से ज्यादा अट्रैक्टिव थी। गोरा रंग, ग्रीन आईज और उसके शार्प फीचर्स के ऊपर उसका वो क्लासी ड्रेसिंग सेंस। मेकअप करने के बाद तो वो इतनी अट्रैक्टिव लगती थी कि कोई उसे एक बार देखता तो दोबारा मुड़कर जरूर देखता था। इतनी खूबसूरती के बाद भी उसके चेहरे पर चालाकी भी साफ दिखाई देती थी। वो मायरा से ज्यादा अट्रैक्टिव या सेक्सी जरूर थी, लेकिन मायरा के मासूम चेहरे को देखकर शौर्य को एक अलग ही सुकून सा मिलता था। शौर्य उसे देखकर अपनी चेयर से खड़ा हुआ तो डीना उसके पास आकर उसे हग करते हुए रोने लगी। उसकी इस हरकत से शौर्य गुस्से में आ गया
उसने झटके से उसे खुद से दूर किया तो डीना मासूम चेहरा बनाकर रोते हुए बोली, शौर्य अब हम क्या करेंगे? शौर्य ने उसे पानी का ग्लास देते हुए चिढ़ कर कहा, हम? डीना तुम अच्छे से जानती हो उस रात जो हुआ उसमें तुमने मेरे साथ क्या किया था। ये बोलते हुए शौर्य ने उससे मुंह फेर लिया था। मैं मानती हूँ शौर्य मुझसे गलती हो गई थी उस रात, लेकिन अब चीजें बदल चुकी है। आई एम प्रेग्नेंट विद योर बेबी शौर्य। डीना ने रोते रोते एक बार फिर उसे पीछे से गले लगा लिया। ये बात सुन शौर्य ने उसे फिर अपने से अलग तो किया, लेकिन इस बार जरा धीरे से। डीना भी इस बात का पूरा फायदा उठाते हुए थोड़ा सीरियस होकर बोली, शौर्य मैं अबॉर्शन नहीं कराना चाहती, मुझे ये बच्चा चाहिए, ये हमारा बेबी है। ये बोलते बोलते डीना ने अपने पेट पर हाथ रख लिया था। शौर्य ये देखकर विंडो के बाहर देखने लगा। उसे इस वक्त डीना और खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी किसी तरह उसने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। वो डीना से नहीं मायरा से प्यार करता था। डीना तो उसकी लाइफ में गलती से आ गई थी और अब शौर्य से और बड़ी गलती हो गई थी। उसकी चुप्पी देख डीना ने उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा, शौर्य अगर तुम मायरा से नहीं मुझसे प्यार करते हो तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? शौर्य चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। इट्स हाई टाइम नाउ शौर्य, पहले फिर भी चीजें डिफरेंट थी, लेकिन नाउ आई एम प्रेग्नेंट। ये बोलते हुए वो और ज्यादा रोने लगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे की लाइफ बिना फादर के निकले। शौर्य अब भी उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। वहां मायरा आज बहुत एक्साइटेड थी। कल रात को शौर्य को अपनी रिपोर्ट्स के बारे में बता ही नहीं पाई थी, इसीलिए उसने डिसाइड किया था कि वो आज लंच ब्रेक में जाकर उसे सरप्राइज देगी। लंच ब्रेक होते ही वो शौर्य के ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते में उसे एक बेकरी दिखी तो उसने ड्राइवर से कहा, भैया प्लीज गाड़ी साइड में रोकना। ड्राइवर ने बेकरी के आगे कार रोकी। मायरा ने बेकरी से रेड वेलवेट पेस्ट्री खरीदी और खुद से बोली, शौर्य को ये बहुत पसंद है। वो मन ही मन काफी एक्साइटेड और खुश थी। वहां ऑफिस में डीना की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। शौर्य ने आखिर परेशान होकर कहा, डीना मैं इसका सलूशन निकालूंगा। डीना ने गुस्से में पूछा, इसका और क्या सलूशन है शौर्य? डीना को समझ आ रहा था कि शौर्य अब परेशान है। वो इस मौके का फायदा उठाना चाहती थी। वो अपने प्लान को सक्सेसफुल होते हुए देख रही थी। कैसे भी बस शौर्य वीक पड़ जाए तो वो उसे इजीली मैनिपुलेट कर लेगी। ये सोचते ही उसके चेहरे पर कनिंग स्माइल आ गई। शौर्य बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतना कंफ्यूज वो पहले कभी नहीं हुआ था। वो वापस अपनी केबिन की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और कुछ सोचने लगा। सोचते हुए उसने डीना की तरफ देखा। वो 3 साल से इंतजार कर रहा था कि वो और मायरा कब पेरेंट्स बनेंगे। उसे भी बच्चा चाहिए था, मगर आज जब उसे ये खबर मिली तो वो भी ऐसे। वो डीना के पास गया। उसने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, रोना बंद करो और पानी पी लो, ऐसी हालत में इतना स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। डीना ने प्लेट को दूर धकेलते हुए कहा, मुझे नहीं पीना, मुझे बस ये जानना है कि अब तुम क्या करोगे। शौर्य बेबस होकर उससे बोला, डीना आई नीड टाइम, ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ शौर्य मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ कि ये मेरे लिए भी कोई छोटी बात नहीं है, और ऊपर से तुम शादीशुदा हो, मैं नहीं। डीना रोए जा रही थी। वहां मायरा बहुत एक्साइटमेंट और मुस्कुराती हुई ऑफिस पहुंची। उसे ऑफिस में देखकर नेहा बहुत डर गई। मायरा उसके पास आकर बोली, हेलो नेहा, शौर्य अपने केबिन में है। मायरा बहुत खुश नजर आ रही थी। नेहा ने घबरा कर कहा, मैम सर ऑफिस में नहीं है। ओ, नेहा की बात सुनकर मायरा का चेहरा एकदम उतर गया। आज लंच ब्रेक के बाद मायरा की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी थी। यही सोचकर उसने कहा, चलो ठीक है मैं जाती हूँ फिर। ये बोलते हुए वो ऑफिस के गेट तक ही पहुंची थी कि उसके फोन पर उसकी एक कलीग का मैसेज आया, टुडेज मीटिंग इज कैंसल्ड।
ये मैसेज देखते ही वो एक्साइटमेंट में वापस मुड़ी। वहीं उसे जाते देख रही नेहा, जो अभी मायरा के जाने की वजह से चैन की सांस ले रही थी, वो मायरा को वापस आते देख अपनी चेयर से खड़ी हो गई। मायरा ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, जब तक शौर्य नहीं आता मैं उसके केबिन में वेट कर लूंगी। ये बोल वो शौर्य के रूम की तरफ बढ़ गई। नेहा ने उसे रोका भी, मैम आप यही वेट कर लीजिए ना। लेकिन उसकी एक्साइटमेंट उसे कहां रोकने वाली थी। वो चलते चलते ही बोली, बाहर? लेकिन क्यों? सुनो नेहा, मैं शौर्य को सरप्राइज देने आई हूँ, बाहर बैठे सरप्राइज खराब हो जाएगा ना। मायरा की आंखों में आज अलग ही चमक थी। अब नेहा मुसीबत में फंस गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मायरा को कैसे रोके। उसने हकलाते हुए कहा, मैम वो रूम में क्लीनिंग स्टाफ आने वाला है। हाँ तो जब आएगा तब मैं बाहर आ जाऊंगी। ये सब बोलते बोलते वो दोनों अब शौर्य के रूम के बाहर ही खड़े थे। मायरा का हाथ रूम के हैंडल पर था। नेहा ने आखिरी बार अपनी कोशिश करते हुए कहा, मैम अंदर मत जाइए प्लीज। उसके ये बोलते ही मायरा ने केबिन का डोर खोला। तभी उसे एक तेज आवाज सुनाई दी, शौर्य क्या तुम समझ भी रहे हो दैट आई एम प्रेग्नेंट विद योर ओन चाइल्ड। ये बात सुनते ही मायरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी वहीं रुक गई हो। जो वो सुन रही थी उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने दरवाजा पूरा खुलने से पहले ही वापस बंद कर दिया। कुछ देर बाद यूं ही बेसुध वहीं खड़े रहने के बाद मायरा ने दोबारा अंदर देखा। शौर्य और डीना को अब तक पता नहीं था कि मायरा गेट पर खड़ी है। मायरा को अब चक्कर आने लगे थे। वो थोड़ा लड़खड़ा कर गेट से टकराई तो उसके हाथ में जो पेस्ट्री का बैग था वो नीचे गिर गया। उसकी हल्की आवाज से शौर्य और डीना का ध्यान उसकी तरफ गया। मायरा को अपने केबिन में देखकर शौर्य तो जैसे सुन पड़ गया था। कुछ देर वहीं शॉक में खड़े रहने के बाद वो दौड़कर उसके पास गया और हकलाते हुए बोला, मायरा तुम यहां क्या कर रही हो। मायरा ने अपने हाथ से उसे थोड़ा दूर ही रुकने का इशारा किया। शौर्य मेरे पास मत आना। उसकी आंखों में आंसू थे। लेट मी एक्सप्लेन मायरा, शौर्य ने कहा। लेकिन मायरा वहां से जाने लगी। मायरा की ये हालत देखकर डीना मन ही मन बहुत खुश हुई। आज उसके एक तीर से दो शिकार हो गए थे। शौर्य की तरफ देख वो रोते हुए बोली, आई एम सो सॉरी शौर्य, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शौर्य अभी भी केबिन के दरवाजे पर खड़ा मायरा को जाते हुए देख रहा था। डीना ने अच्छा बनने का नाटक करते हुए शौर्य से कहा, तुम्हें मायरा को रोकना चाहिए। शौर्य ने हल्के से सर हिलाते हुए कहा, नहीं जाने दो उसे, आई हैव मेड अप माई माइंड। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। आप सुन रहे हैं ब्रोकन प्रॉमिस पॉकेट एफएम पर, मेरे यानी आरजे सोना के साथ। रोते हुए मायरा ऑफिस से बाहर निकली और कार में जाकर बैठ गई। उसके दिमाग में डीना की वो बात घूम रही थी, शौर्य मैं प्रेग्नेंट हूं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कोई बुरा सपना देख रही है या ये सब सच में हो रहा है। वो मन में बार बार एक ही बात बोले जा रही थी, शौर्य ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि शौर्य उसे धोखा दे सकता है। और अभी उसने शौर्य के केबिन में जो कुछ भी सुना वो सब सच है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वहां शौर्य ने केबिन में आकर टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया और वहां से निकलने से पहले बोला, डीना मैं तुम्हें कॉल करता हूं, अभी मुझे जाना होगा। ये बोलते हुए वो ऑफिस से निकल पार्किंग की तरफ चला गया।
कार चलाते हुए भी वो बहुत परेशान था। रह रह कर उसके सामने मायरा का चेहरा घूम रहा था। मन में यही सब सोचते हुए वो खुद से बातें कर रहा था। मायरा, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसके लिए शायद तुम मुझे कभी माफ ना करोगी। यही सब सोचते हुए वो फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था। कई बार उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। किसी तरह वो घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने पार्किंग के बजाय मेन एंट्रेंस के सामने एक झटके से गाड़ी रोकी। वो कार से उतरा पर थोड़ी देर वहीं खड़ा होकर घर की तरफ देखने लगा। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी मायरा का सामना करने की। डीना के पेट में मेरा बच्चा है, शौर्य जायसवाल का। मैं उसे अपना नाम जरूर दूंगा। बस यही सोच वो अंदर गया। वो सीधे अपने बेडरूम की तरफ गया और रूम का डोर खोला। रूम में मायरा बेड पर उल्टी लेटे बस रोई जा रही थी। उसकी आंखें बुरी तरह लाल हो चुकी थी। शौर्य वहीं बेड के कॉर्नर पर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाल रखे थे और आंखों पर सनग्लासेस लगाए हुए थे। मायरा ने जब उठकर शौर्य की तरफ देखा तो आज शौर्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनजान शख्स को देख रही हो। शौर्य ने बहुत नॉर्मली उससे पूछा, मायरा तुम्हें जानना है ना ये सब कब और कैसे हुआ? वो ऐसे बोल रहा था जैसे ये कोई छोटी सी बात हो। मायरा ने कुछ नहीं कहा, वो बस उसे सुनना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि आखिर शौर्य इसका क्या जस्टिफिकेशन देता है। उसे अभी उम्मीद थी कि शौर्य अभी उससे कहेगा कि जो भी उसने सुना वो सब झूठ था। लेकिन तभी शौर्य ने कहा, मायरा जो तुमने ऑफिस में सुना वो सब सच है। डीना मेरे बच्चे की। मायरा ने उसे गुस्से में देखा तो शौर्य बीच में ही रुक गया। मायरा अपने आंसू पोंछते हुए उस रूम से निकलकर गेस्ट रूम में चली गई। अब दोपहर से शाम हो चुकी थी। शाम के 8 बज चुके थे। मायरा ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। ऋतु और घर के सारे स्टाफ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उन्होंने कभी भी मायरा और शौर्य को इस तरह लड़ते हुए नहीं देखा था। हाँ, उनकी छोटी मोटी प्यार भरी नोकझोंक जरूर होती थी, लेकिन उसमें उन दोनों का एक दूसरे के लिए बेपनाह प्यार ही झलकता था। लेकिन आज उन्होंने पहली बार मायरा को रोते हुए देखा था। उसकी ये हालत देख वो सब घबरा गए थे। ऋतु और नीतू तो आपस में बातें भी कर रहे थे। लगता है कुछ ज्यादा ही सीरियस बात है, नहीं तो मायरा मैडम रोती नहीं है, ऋतु की इस बात पर नीतू ने भी कहा। हाँ, और आज वो दिन से गेस्ट रूम में ही है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। पता नहीं इनकी शादीशुदा जिंदगी को किसकी नजर लग गई, ऋतु ने मायरा के बारे में सोचते हुए कहा। सरों ने जाकर मना क्यों नहीं लेते? उन सबको मायरा से बहुत अटैचमेंट थी। मायरा सारे स्टाफ का बहुत ध्यान रखती थी। जब भी किसी स्टाफ की फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती तो मायरा बिना कहे ही उनकी मदद करने को तैयार रहती थी। वो उसके लिए एक परिवार की तरह ही थे। वो यही सब बातें कर रहे थे कि तभी शौर्य वहां आया। उसने उनकी तरफ देख कर कहा, कोई जाकर मायरा से खाने का पूछ लो, और तुम लोगों का काम हो गया हो तो घर चले जाओ। सबने हाँ में सिर हिलाया। कोई गेस्ट रूम तक पहुंचता उससे पहले ही मायरा खुद ही डाइनिंग एरिया में आई और एक चेयर खींच कर बैठ गई। उसकी आंखें बुरी तरह सूजी हुई थी, लेकिन उसने खुद को किसी तरह संभाला हुआ था। शौर्य ने सबको जाने का इशारा किया और खुद भी 2 चेयर छोड़कर बैठ गया। मायरा, क्या हम इस चीज को मच्योरली हैंडल कर सकते हैं? ये बोलते हुए शौर्य की टोन एकदम फॉर्मल थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बिजनेस डील करने बैठा हो। मायरा ने एक ग्लास में पानी डाला और शौर्य की आंखों में देखते हुए पीने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा था। शौर्य उससे नजरें चुराए अपने हाथों की तरफ देख रहा था। मायरा ने गुस्से में उससे पूछा, शौर्य, व्हाई? तुमने ऐसा क्यों किया? गुस्से के साथ साथ अब उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, लेकिन शौर्य के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था।
अगर मैं कुछ कहूंगा तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? विश्वास, इस शब्द का मतलब भी पता है तुम्हें शौर्य? वो लड़की तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुमने सब खत्म कर दिया शौर्य, मुझे तुम्हें देखने तक कभी दिल नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे मायरा अंदर ही अंदर टूट कर बिखर सी गई हो। वहीं शौर्य को उसकी कही इस बात पर बहुत तेज गुस्सा आया। उसने भी तेज आवाज में कहा, मुझे पता था तुम यही कहोगी। वो आगे कुछ और कहता कि तभी डीना वहां पहुंच गई। उसे देख मायरा के साथ साथ शौर्य भी हैरान था। उसे उसके वहां आने की उम्मीद नहीं थी। उसने चौंकते हुए पूछा, डीना तुम यहां? वो उसे फोन दिखाते हुए बोली, शौर्य वो तुम दिन में जल्दबाजी में अपने फोन की जगह मेरा फोन ले आए थे। उसके ये बोलते ही शौर्य ने अपनी पॉकेट चेक की और कहा, फोन ऊपर रूम में है, तुम बैठो मैं लेकर आता हूं। ये बोल वो ऊपर चला गया। उसके जाते ही मायरा जो अब तक गुस्से में डीना को घूर रही थी वो उठकर उसके पास आई और चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? उसकी इस बात पर डीना हंसती और बोली, मायरा तुम क्यों नहीं मान लेती कि अब शौर्य तुमसे बोर हो चुका है, उसे अब तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन मायरा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो, तुम शौर्य को जानती ही कितना हो। डीना फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी कितना जानती हो, ये तो तुमने आज देख ही लिया। वैसे तुम्हारे लिए तो अब यही बेहतर है कि तुम चुपचाप अपना सामान बांधो और इस घर से और शौर्य की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। मायरा के पास बोलने को कुछ नहीं था, आखिर उसके प्यार ने उसे धोखा दिया था। इसमें गलती अकेली डीना की नहीं थी, लेकिन डीना के लिए ये गलती नहीं बल्कि सोची समझी चाल थी। वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, शौर्य ही मेरे पास आया था, शायद जो खुशी तुम उसे नहीं दे सकी वो मैंने उसे दे दी। उसकी इस बात पर मायरा ने बहुत तेज चिल्ला कर कहा, गेट आउट ऑफ माई हाउस। उसकी आवाज जैसे पूरे घर में गूंज उठी। उसी वक्त शौर्य सीढ़ियों से उतर रहा था। डीना ने उसे आते देख अपना नाटक शुरू कर दिया, आई एम सो सॉरी मायरा, मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आना चाहती थी। जो डीना अभी कुछ देर पहले मायरा को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी वो अचानक रोने लगी। शौर्य ने मायरा को चिल्लाते हुए सुन लिया था। उसने गुस्से में मायरा को देखते हुए कहा, मायरा ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? मायरा उसे देख के भी गुस्से में बोली, शौर्य इससे कहो कि ये अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाए। लेकिन तभी शौर्य ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन मायरा के कान सुन्न पड़ गए। ये मेरा घर है मायरा, और मैं अपने घर में जिसे चाहूं उसे बुला सकता हूं। शौर्य ने मायरा से कभी इस तरह बात नहीं की थी, और वो किसी बाहर वाले के आगे उससे चिल्लाकर बात करेगा, ये तो मायरा कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मायरा ने डीना की तरफ नफरत से देखते हुए कहा, तुम इतने गिर चुके हो शौर्य कि तुम इस गिरी हुई लड़की का साइड ले रहे हो। लेकिन तभी शौर्य ने डीना का हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, ये कोई गिरी हुई लड़की नहीं है, शी इज माइन नाउ। शौर्य की ये बातें सुनकर मायरा के दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गई। आज जो सब हो रहा था उस पर उसका यकीन करना बहुत मुश्किल था। जो शौर्य कभी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज उसने किसी और का हाथ थाम रखा था। वहीं शौर्य के मुंह से अपने लिए वो सब सुन डीना तो मन ही मन इतनी ज्यादा खुश थी कि उसके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। आखिर वो जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। शौर्य अगर ये तुम्हारी है तो मैं कौन हूं फिर? ये कहते हुए मायरा के चेहरे पर बेबसी थी। शौर्य ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मायरा रोते हुए वापस गेस्ट रूम में चली गई। शौर्य डीना के साथ रहने का फैसला कर चुका था।
ऐसा लग रहा था जैसे मायरा के कुछ भी बोलने से उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। शौर्य की बातों से डीना अब बहुत कॉन्फिडेंट थी। उसे यकीन हो गया था कि अब शौर्य उसका हो गया है। वो बस अब ये सोच रही थी कि कैसे भी करके वो मायरा को हमेशा के लिए शौर्य के लाइफ से दूर कर दे। जो इतने टाइम से मैं नहीं कर पाई वो आज इस बच्चे ने कर दिखाया। यही सोचते हुए उसके चेहरे पर चालाकी भरी स्माइल आ गई। Why are you smiling? शौर्य ने डीना को मुस्कुराते देख लिया था। डीना ने घबराते हुए जवाब दिया, नहीं शौर्य, वो बस जो तुमने अभी मेरे लिए कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस तरह उसने बात को घुमा दिया। शौर्य भी बोलकर वहीं बैठ गया। मौके का फायदा उठाते हुए डीना ने शौर्य के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, शौर्य आई एम सो हैप्पी कि तुमने मुझे और हमारे बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर तुम मायरा को जल्दी डिवोर्स दे देते तो। डिवोर्स बोलते हुए उसे खुद भी हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन उसका असली मकसद तो यही था। शौर्य ने उसका हाथ झटके से हटाया और उसे घूर कर देखा। उसने डीना को एक्सेप्ट सिर्फ अपने बच्चे की वजह से किया था, वो अभी मायरा से ही प्यार करता था। शौर्य को इतना गुस्से में देख वो आगे कुछ नहीं बोली। शौर्य ने उससे कहा, तुम्हें अपना फोन मिल गया है ना, अब तुम अपने घर जाओ, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। डीना मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है मैं अब निकलती हूं। ये बोल वो शौर्य को हग करने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि शौर्य ने उसे वहीं रोक दिया और हाथ मिलाकर जाने का इशारा किया। डीना को उस पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो जाते हुए मन ही मन सोच रही थी, लड़के मरते हैं मुझ पर मिस्टर शौर्य जायसवाल, तुम समझते क्या हो खुद को, ये जो पैसे की अकड़ है वो तो मैं कम करूंगी ही, आखिर जायसवाल खानदान को वारिस मैं देने वाली हूँ, उसके बाद ये घर सारा पैसा और प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी होगी। ये सोचते हुए वो जायसवाल हाउस को देख रही थी और फिर बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठी और वहां से चली गई। कुछ देर बाद शौर्य गेस्ट रूम में आया। उसने मायरा से कहा, मायरा ये क्या बिहेवियर है? मायरा उठकर खड़ी हुई और उससे बोली, शौर्य तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम किसी और के सामने मुझे इस तरह इंसल्ट करो। वो बहुत गुस्से में थी। शौर्य ने भी उसे गुस्से में ही जवाब दिया, इंसल्ट तो तुमने डीना की है, ये जानते हुए भी कि वो अभी किस हालत में है। ये बात सुनकर मायरा ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसमें अब और हिम्मत नहीं थी ये सब सुनने की। उसने कहा, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, हमारा प्यार, हमारी शादी। शौर्य शौर्य ने उससे मुंह फेर कर कहा, मायरा मैं इस वक्त तुम्हें कुछ भी कहूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं, तुम पहले शांत हो जाओ फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। इस पर मायरा चिल्ला कर बोली, आराम माय फुट शौर्य, इतना सब होने के बाद, मेरी लाइफ पूरी तरह बर्बाद करने के बाद तुम मुझे शांत होने के लिए कह रहे हो, लाइक सीरियसली? शौर्य एक तरफ मायरा के गुस्से को समझ रहा था। वो समझ रहा था कि मायरा का दुख और उसकी ये हालत, मगर वहीं दूसरी तरफ उसे मायरा की बातों पर गुस्सा भी आ रहा था और इस वक्त उसका गुस्सा उसकी समझ पर हावी हो चुका था। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, मैंने डिसाइड कर लिया है मैं डीना को नहीं छोड़ सकता। उसके ये बोलते ही मायरा ने उसकी आंखों में देखते हुए उससे पूछा, तुम मुझे छोड़ सकते हो? शौर्य ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय कहा, मायरा डीना के पेट में जो बच्चा है वो मेरा है और उस बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मायरा को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने पति से, अपने शौर्य से बात कर रही है। उसने हैरानी से कहा, ये सब सिर्फ एक बच्चे के लिए शौर्य? हाँ, जो तुम मुझे नहीं दे सकी। ऐसा लग रहा था जैसे शौर्य की आंखों में अब मायरा के लिए कुछ भी नहीं था।
ये बात सुन मायरा अंदर से पूरी तरह बिखर गई। उसे लग रहा था जैसे अब उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। शौर्य ने सब तोड़ दिया, ही उसका शौर्य नहीं हो सकता। मायरा बस उसे बिना पल के झपकाए देखे जा रही थी, जैसे उसमें वो कुछ ढूंढ रही हो। शौर्य ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उससे कहा, मायरा मैं बस तुम्हें ये बताने आया था कि डीना कल ही इस घर में शिफ्ट हो रही है। मैं उसके साथ कोई लापरवाही नहीं कर सकता। उसकी इस बात पर मायरा हंसी और फिर गुस्से में बोली, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी उस डीना के साथ इसी घर में रहूं? हाँ, मायरा ने आखिरी उम्मीद से एक बार फिर उससे पूछा, क्या हमारे बीच अब सब खत्म हो गया है? शौर्य ने उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ। शौर्य ने ये सब बातें ऐसे बोल दी थी जैसे उसे कभी मायरा के लिए फीलिंग्स ही नहीं थी, जैसे वो अपनी बीवी से नहीं किसी अनजान से बात कर रहा हो। मायरा ने सर नीचे किया हुआ था, उसकी आंखों से आंसू गिरते ही जा रहे थे। अब उसका दिल नहीं मान रहा था कि वो उसके सामने खड़े शख्स को देखे भी। शौर्य कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी आखिरी बार मायरा ने उसे रोका, शौर्य क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया था? शौर्य ये सुनकर मुड़ा और अपना सर नीचे कर लिया। वो नहीं चाहता था कि मायरा उसके एक्सप्रेशंस देखे। वो ये रिश्ता भी जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। उसने अपनी फीलिंग्स छुपाते हुए वापस मायरा की तरफ देखा और बोला, नहीं, तुमसे बस मेरा एक अट्रैक्शन था जिसकी वजह से मैंने तुमसे शादी की। ये सुनकर तो मायरा का दिल टूटकर पूरी तरह बिखर चुका था। उसके सामने जो उसका पति खड़ा था वो अब उससे बहुत दूर जा चुका था। वो जिंदगी में जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी वो ये शौर्य था ही नहीं। वो बेड से उठकर रूम के गेट के पास गई। गेट खोलते हुए उसने शौर्य को जाने का इशारा किया। वो खुद को और नहीं गिरा सकती थी। शौर्य ने उसकी तरफ देखते हुए गहरी सांस ली और वहां से चला गया। गेट बंद कर वो वहीं दरवाजे के पास नीचे बैठ गई। इससे बुरा उसके साथ कुछ नहीं हो सकता था। आज के दिन के बारे में वो सोचना भी नहीं चाहती थी। कल तक जो शौर्य उससे इतना प्यार करता था, आज वो उससे इतना दूर हो जाएगा, उसने कभी नहीं सोचा था। उसके दिमाग में अब शौर्य की वही सब बातें चल रही थी। मुझे बस तुमसे एक अट्रैक्शन था, वो रोते रोते अचानक हंसने लगी और बोली, उसने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। ये बात वो बार बार बोल रही थी जैसे वो खुद को समझाना चाह रही हो। ये वही शौर्य था जिसके लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ा था। उसकी फैमिली शौर्य से शादी के लिए नहीं मानी थी क्योंकि मायरा के घर वाले शौर्य जितने पैसे वाले नहीं थे। उन्हें लगता था शौर्य उसे सिर्फ फंसा रहा है। लेकिन आज से 3 साल पहले उन सबसे लड़कर शौर्य के पास आई थी, पर आज उसी शौर्य ने उसे अकेला छोड़ दिया था। उसकी जिंदगी, उसकी शादी, सब बिखर गए थे। गेस्ट रूम से निकल शौर्य अपने कमरे में गया। आज उसे वो कमरा बहुत अलग लग रहा था, बहुत अजीब सा, जैसे कमरे की जान ही चली गई हो। उस कमरे में मायरा का सामान बिखरा हुआ था। कल रात जिस तस्वीर को देखकर उसे अच्छा लग रहा था वो मुस्कुरा रहा था, आज उसी तस्वीर को देखकर उसे रोना आ रहा था। उसने वो तस्वीर बेड के ऊपर से निकाली और उसे कबर्ड के पीछे रख दिया। फिर डीना को मैसेज किया, कल तुम अपना सामान लेकर यहाँ शिफ्ट हो जाना, और विस्की का ग्लास लेकर फिर उसी कुर्सी पर बैठ गया जिस पर बैठकर वो कल रात मायरा को निहार रहा था। उसके मैसेज करने के कुछ ही देर बाद डीना का रिप्लाई आया, ओके शौर्य, थैंक्स, आई लव यू सो मच। साथ ही कुछ लव और किस वाले इमोजीज भी थे, जिसे देख शौर्य ने हाथ में पकड़ा ग्लास जोर से जमीन पर फेंक दिया।
आप सुन रहे हैं ब्रोकन हार्ट्स पॉकेट एफएम पर मेरे यानी आरजे सोना के साथ। सुबह के लगभग 7 बजे डार्क मैरून बाथरूम में अपने गीले बालों को झटकते हुए मायरा वॉशरूम से निकलकर उस बड़े से कमरे की खिड़की के पास गई। उसने पर्दे हटाए और खिड़की खोली। सूरज की रोशनी सबसे पहले उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें छोटी हो गई और उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसका छोटा गोल चेहरा धूप की किरणों में चमक रहा था। दिखने में वो इतनी खूबसूरत नहीं थी लेकिन उसका चेहरा बहुत अट्रैक्टिव था। खिड़की खोलने से बेड पर लेटे हुए शख्स ने चिढ़कर अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, मायरा प्लीज मैं सो रहा हूँ, ये खिड़की क्यों खोल दी तुमने, वो भी इतनी सुबह सुबह। कमरे में बिखरी सूरज की रोशनी में उसका परफेक्टली फिट फिजिक बहुत ही सेक्सी लग रहा था। ऊपर से उसे रात में शर्टलेस सोने की आदत थी। मायरा मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर बैठी और अपनी उंगलियां उसके बालों में फेरने लगी। वो थोड़ा झुक कर उसके चेहरे के करीब आई और बोली, गुड मॉर्निंग जाना। लेकिन उस शख्स ने अब भी अपनी आंखें नहीं खोली थी। मायरा ने एक बार फिर उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहा, शौर्य उठ जाओ, 9 बजे तुम्हारी मीटिंग है, तुम लेट हो जाओगे, इट्स ऑलरेडी 8। ये सुन शौर्य ने नींद में ही उसे कमर से पकड़ लिया। ऐसा करने में जब वो पलटा तो उसके सीने पर बना M लेटर का वो खूबसूरत टैटू दिखाई दे रहा था। उसकी इस शरारत पर मायरा शर्मा कर मुस्कुरा दी। उसके एकदम करीब आकर वो उसके गाल पर किस करने ही वाली थी कि उसने शौर्य की स्माइल देखी और झट से उससे दूर हो गई। शरारती एक्सप्रेशन के साथ अगले ही पल उसने उसका हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहा, अब नाटक बंद करो और उठ जाओ, आज मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी है। फिर उसके चेहरे पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, तुम जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, मैं भी रेडी होकर ब्रेकफास्ट का देखती हूँ। ये बोलते ही वो ऑलरेडी रेडी होने चली गई लेकिन शौर्य अब भी सो रहा था। एकदम रेडी होकर मायरा ने आखिरी बार मिरर में खुद को देखा। ब्लैक फॉर्मल ट्राउजर के साथ मरून कलर की सैटिन शॉर्ट में वो बहुत ही क्लासी लग रही थी। बालों को उसने बहुत ही सलीके से एक पिन से साइड में बांधा हुआ था। कोई खास मेकअप नहीं था, बस लाइट पिंक लिपस्टिक और आंखों में एकदम लाइट सा काजल लगाए। वो सिंपल लेकिन बहुत ही एलिगेंट लग रही थी। खुद को देखते हुए उसने अपने पेट पर हाथ रखा और तुरंत ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी नजरें अपने पेट को ही देख रही थी। वो कुछ सोचकर उदास होने लगी। तभी उसका फोन बजा। उसने फिर से खुद को देखा, एक गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछते हुए स्माइल की। फिर मुस्कुराते हुए अपने बैग से फोन निकाला तो देखा डॉक्टर अपॉइंटमेंट का रिमाइंडर बज रहा था। रिमाइंडर बंद कर फोन को वापस बैग में डालते हुए वो रूम से बाहर निकल नीचे चली गई। उसके नीचे आते ही घर की मेट ने उसे ब्रेकफास्ट सर्व किया। वो खा ही रही थी कि शौर्य जल्दी में सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोला, चलो वी आर गेटिंग लेट, मैं रास्ते में तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूंगा, आज दिन भर बैक टू बैक मीटिंग्स है, तुम प्लीज आज डॉक्टर के साथ मैनेज कर लो प्लीज। मायरा के चेहरे पर नर्वसनेस थी। उसने नजरें नीचे करते हुए कहा, डोंट वरी मैं मैनेज कर लूंगी, ये फर्स्ट टाइम तो है नहीं। 1 घंटे बाद सिटी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का अल्ट्रासाउंड रूम एकदम शांत था, वहां सिर्फ मॉनिटर की आवाज सुनाई दे रही थी। बेड पर मायरा बहुत बेचैन हो रही थी, घबराहट से उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। बेड शीट को कस कर पकड़ते हुए उसकी नजर डॉक्टर पर ही थी। डॉक्टर ने मॉनिटर स्क्रीन को देखते हुए कहा, मायरा तुमने अपना बहुत अच्छा ध्यान रखा है, तुम्हारी बॉडी में काफी चेंजेस आए हैं। ये सुन मायरा की घबराहट कुछ कम हुई। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, इस बार तो कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट दिख रहे हैं। मायरा को डॉक्टर की बात कुछ ज्यादा समझ नहीं आई,
उसे तो बस एक ही बात जाननी थी। उसने बेचैन होकर पूछा, तो आपको क्या लगता है फिर? वो रिजल्ट जानने के लिए बहुत नर्वस थी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, इसका मतलब ये है कि तुम अब माँ बनने के लिए तैयार हो। ये बात सुनते ही मायरा उठकर बैठ गई। आंखों में नमी लिए उसने डॉक्टर का हाथ पकड़कर पूछा, आप सच बोल रही हैं डॉक्टर? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसका वो 3 साल से इंतजार कर रही थी, वो बात आज सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर ने उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए कहा, हाँ मायरा, मैं सच कह रही हूँ, तुम माँ बन सकती हो। यू शुड स्पेंड सम मोर टाइम विद योर हस्बैंड। और हाँ, नेक्स्ट 48 आवर्स आर द बेस्ट टाइम टू कंसीव फॉर यू। ये बोलते हुए डॉक्टर ने मायरा की बॉडी से अल्ट्रासाउंड डिवाइस निकाल दिए और मशीन बंद की। वहीं उनकी बातें सुनकर मायरा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच में माँ बन सकती है। हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही थी। ये बात शौर्य को बताने के लिए उसने अपना फोन निकाला, मगर फिर उसने सोचा कि ये बात वो उसे खुद सामने से बताएगी। उसने शौर्य को मैसेज किया, कम सून जाना, देयर्स अ सरप्राइज फॉर यू। उस वक्त शौर्य एक मीटिंग रूम में अपनी टीम के लिए वेट कर रहा था। मैसेज नोटिफिकेशन की आवाज से जब उसने फोन देखा तो मायरा का मैसेज था। नाम देख उसने अपना फोन वापस टेबल पर रख दिया। 5 मिनट बाद उसे फिर से एक मैसेज आया। इस बार किसी और का नाम देख उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए, जैसे वो चाहता ही ना हो कि वो शख्स उसे मैसेज करे। सबको आता देख उसने फोन वापस अपनी पॉकेट में रखा और खड़े होते हुए बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसके बारे में मैं आज आप सबको ब्रीफ करूंगा। शौर्य मैरिड तो था, लेकिन फिर भी ऑफिस की फीमेल एम्प्लॉयज उसके पीछे पागल थी। उसकी एक यंग टीम मेंबर ने दूसरे के कान में फुसफुसा कर कहा, मुझे तो आज प्रोजेक्ट ब्रीफ समझ आने से रहा। ये जब ब्लू सूट पहनता है तो मैं काम पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाती। He is looking so handsome यार। दूसरी टीम मेंबर अपनी कलीग की बात सुनकर आंख मारते हुए बोली, इसकी बीवी इससे भी ज्यादा सुंदर है, सपने देखना बंद कर, यू हैव नो चांस। शौर्य जायसवाल, जायसवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एक लौता मालिक था जो शहर की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक थी। वो सिर्फ 28 साल का था, मगर उसने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से इतनी छोटी उम्र में अपनी अलग पहचान बना ली थी। बहुत कम वक्त में उसने अपनी कंपनी को इंडियाज टॉप 10 कंपनीज में शामिल कर लिया था। मीटिंग खत्म होते ही शौर्य अपने केबिन में गया और उसने सिगरेट जलाई। फोन निकालते हुए उसे मायरा का मैसेज दिखा, जिसका रिप्लाई उसने अब तक नहीं किया था। वो उसके बारे में सोचने लगा। मायरा, जो कभी उसकी परफेक्ट गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, आज उसकी परफेक्ट वाइफ थी। शौर्य के माथे पर लकीरें उभर आई। उसने केबिन के विंडो के ग्लास में अपनी धुंधली परछाई देखी और धीरे से बोला, लेकिन क्या मैं परफेक्ट हस्बैंड हूं? उसने एक लंबी सांस ली और मायरा के मैसेज का रिप्लाई किया, ओके आई बी देयर, और फोन टेबल पर रख दिया। आज मायरा के चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही थी। ऑफिस खत्म होने के बाद उसने सोचा वो शौर्य के लिए कुछ गिफ्ट ले, बस इसीलिए पास ही के एक मॉल में चली गई। वहां पहुंच वो सीधे परफ्यूम सेक्शन में गई। शौर्य को मस्क फ्रेग्रेंस बहुत पसंद था और जब वो ये परफ्यूम लगाता तो मायरा भी खुद को मदहोश होने से नहीं बचा पाती। वैसे भी डॉक्टर ने उसे कहा था कि ये 4 दिन उन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसने काउंटर बॉय से कहा, इसे गिफ्ट रैप कर दो। काउंटर बॉय ने वो परफ्यूम लिया और उसे गिफ्ट रैप करते हुए पूछा, मैम हमारे स्टोर में ऑफर है, कोई स्पेशल ओकेशन है तो इसके साथ एक पर्सनलाइज्ड कार्ड फ्री मिलेगा। मायरा ने हाँ में सर हिला दिया। काउंटर बॉय ने पूछा, किसके नाम से? तो मायरा ने कहा, शौर्य। नाम सुन काउंटर बॉय मुस्कुराया और बोला,
नाम बहुत अच्छा है मैम, यूनिक भी है। इनफैक्ट इस महीने एक और कस्टमर ने सेम नेम से गिफ्ट रैप करवाया था। मायरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ नाम ही नहीं इंसान भी परफेक्ट है। फिर उसने थोड़ा इंक्विसिटिव होते हुए पूछा, और उस शौर्य के लिए कौन सा परफ्यूम लिया गया था? काउंटर बॉय ने कहा, शायद एक्वा लिया था, ठीक से याद नहीं। मायरा मुस्कुराई और मन में सोचने लगी, शौर्य हेट्स एक्वा। फिर मेन सेक्शन में जाकर वो शौर्य के लिए शर्ट्स देखने लगी। शौर्य के पास वैसे तो सब कलर की शर्ट्स थी, लेकिन उसने नेवी ब्लू कलर की शर्ट सिलेक्ट की क्योंकि ये शौर्य का फेवरेट कलर था। वैसे तो शौर्य एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था, लेकिन फिर भी मायरा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस के लिए किसी और कंपनी में मैनेजरियल पोस्ट पर जॉब करती थी। वो गिफ्ट्स लेकर निकल ही रही थी कि उसे लेफ्ट साइड में न्यू बॉर्न सेक्शन दिखा, जिसे देख उसके कदम वहीं रुक गए। मायरा एक छोटे से शू पैर को हाथ में लिए मुस्कुरा रही थी कि तभी एक सेल्स गर्ल उसके पास आई और बोली, मैम मे आई हेल्प यू, आप कितने मंथ्स के बेबी के लिए गिफ्ट देख रही हैं? उसकी बात सुन मायरा ने मुस्कुराते हुए ना में अपना सर हिलाया, नो नॉट नाउ एंड थैंक यू। उसी स्माइल के साथ वो वहां से निकल गई, एक हाथ में शॉपिंग बैग्स और दूसरे हाथ में उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेकर मायरा घर के अंदर आई। घुसते ही उसे खाने की खुशबू आने लगी, लगता है नीतू ने शौर्य की पसंद का खाना बना भी लिया। ये सोचते हुए उसने शॉपिंग बैग लिविंग रूम में रखे और किचन की तरफ आई। वहां नीतू सब खाना सर्विंग बोल्स में डाल रहे थे। नीतू उनके घर की कुक थी। मायरा, मुझे बहुत भूख लगी है। उसका बिहेवियर कुछ चेंज तो था, लेकिन मायरा अपनी खुशी में इतनी खो गई थी कि वो नोटिस ही नहीं कर पाई। उसने जल्दी से उससे अलग होते हुए कहा, तुम चेंज करो, मैं खाना सर्व करती हूँ। शौर्य थका हुआ तो था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। उसने अपनी शर्ट का कॉलर बटन खोला और अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करने लगा। तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। तभी 3-4 मैसेज से फोन फिर से बचा। पॉकेट से फोन निकालकर वो बेड पर बैठकर मैसेज देखने लगा।
मैसेज देखते हुए उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। मायरा दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी और सोच रही थी, इतनी रात में शौर्य को कौन मैसेज कर रहा है। तभी शौर्य की नजर उस पर गई। फोन साइड में रखते हुए उसने प्यार से कहा, क्या हुआ, वहां क्यों खड़ी हो, अंदर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मायरा अपनी परेशानी भूल फिर से मुस्कुराते हुए उसके पास आई और रूम में रखी टेबल पर खाना सर्व किया। मायरा उसके लिए अक्सर कोई नई रेसिपी ट्राई करती रहती थी। शौर्य के एक बार कहने पर ही वो उसके लिए आधी रात को भी कुछ भी बनाने को तैयार हो जाती थी और उसे ये सब करने में खुशी मिलती थी। शौर्य को भी उसकी इस बात पर बहुत प्यार आता था, लेकिन अपने शाय और इंट्रोवर्ट नेचर के कारण वो हमेशा ये सब उसे नहीं बता पाता था। पहला बाइट खाते ही शौर्य ने कहा, इट्स सो यमी। मायरा मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन अब वो कुछ परेशान भी थी। उसने खाना खाते हुए ही कुछ हिचकिचाते हुए पूछा, किसका मैसेज था? शौर्य ने बिना कोई एक्सप्रेशन के साथ कहा, वो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है तो बस ऑफिस के एक एम्प्लॉय का मैसेज था। मायरा ने एक और सवाल किया, तुम्हारे एम्प्लॉयज ऑफिस में ही घर बनाकर बैठे हैं क्या? शौर्य अब बहुत नॉर्मल होकर खाते खाते बोल रहा था, कुछ लोग अभी भी काम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। मायरा ने गौर से शौर्य की तरफ देखा, कुछ तो छुपा रहा था शौर्य उससे, कहीं कोई सरप्राइज तो नहीं देने वाला था शौर्य उसे। तब तक शौर्य अपना खाना खत्म कर चुका था। वो उठा और मायरा के चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला, अच्छा चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम तब तक अपना डिनर खत्म कर लो। उसके जाते ही मायरा ने बेड पर पड़ी रिपोर्ट्स को उठाकर साइड ड्रॉअर में रख दिया। शौर्य चेंज कर सिर्फ शॉर्ट्स पहने रूम में आया। हो रहे थे उस रोमांटिक मोमेंट में दोनों ही अपनी परेशानी भूल गए थे। तभी शौर्य के फोन पर फिर एक मैसेज आया। उस मैसेज नोटिफिकेशन की आवाज से शौर्य एक पल रुका और टेबल पर रखे फोन की तरफ गया। मायरा उसे देख रही थी, उसे ये बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर शौर्य ने वापस फोन रखा और मायरा को हाथ से पकड़कर अपने पास खींचा। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखकर बोला, आई एम सॉरी जाना। मायरा नजरें नीचे झुकाए मुस्कुरा दी। शौर्य ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बेड पर ले गया। उसे आराम से लिटाने के बाद खुद उसके करीब आकर लेटा और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए उसे फिर से किस करने लगा। अब मायरा भी शौर्य को पैशनेटली किस कर रही थी। कुछ ही देर में दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी। मायरा को नींद आते देख जब शौर्य ने बेड साइड लैंप को ऑफ करने के लिए हाथ उस तरफ बढ़ाया तो उसी टेबल पर रखा उसका फोन फिर बचा। इस बार उसने इग्नोर तो कर दिया, लेकिन इससे मायरा की नींद उठ गई। वो अब परेशान हो गई थी।
आखिर उसने पूछ ही लिया, शौर्य कौन है? शौर्य ने उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, कोई नहीं जाना, जरूर वही एम्प्लॉय होगा, प्रोजेक्ट डिटेल्स भेज रहा होगा। उसके ये बोलते ही उसके फोन पर किसी का कॉल आने लगा। शौर्य ने फोन देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। वो बेड से उठा और फोन लेकर रूम के बाहर चला गया। मायरा ने घड़ी की तरफ देखा तो उस वक्त रात के 1 बज रहे थे। वो मन ही मन खुद से बोली, इतनी रात में किसका कॉल होगा? आखिर क्या छुपा रहा था शौर्य उससे? मायरा गेस्ट रूम में रात भर रोते हुए जमीन पर ही सो गई थी। सुबह उसने आंखें खोली तो उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सूजी हुई थी। उसके सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। कल पूरा दिन उसने कुछ नहीं खाया था, इसीलिए कमजोरी भी थी। उसने घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 9 बज गए थे। वो जानती थी कि शौर्य ऑफिस जा चुका होगा, इसीलिए जल्दी से बेडरूम में गई। बेडरूम का डोर खोलते ही बिना कहीं और देखे वो सीधे क्लोजेट एरिया में चली गई। उसने वहां से एक पुराना बैग निकाला और फिर उसकी धूल साफ करते हुए दुखी होकर अचानक मुस्कुराने लगी। ये वही बैग था जिसमें सालों पहले अपना सामान लेकर मायरा शौर्य की वजह से अपना घर छोड़कर आई थी। आज फिर इसी बैग में वो अपना सामान लेकर घर छोड़ रही थी। आज भी वही शौर्य ही था, बस फर्क इतना था कि सालों पहले वजह उसका प्यार था और आज उसका दिया धोखा था। जब सालों पहले उसने शौर्य के प्यार के लिए घर छोड़ा तब उसे शौर्य और उसके प्यार पर इतना भरोसा था कि वो उसके लिए दुनिया से भी लड़ जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आएगा जब उसे उसके प्यार के लिए खुद शौर्य से ही लड़ना होगा। उसके चेहरे पर जो उदासी थी वो ज्यादा इस बात की थी कि किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने शौर्य ने उसका दिल तोड़ा था। वो रात भर बस यही सोचती रही कि वो कहां गलत हो गई। उसका दिल अभी भी ये मानने को तैयार ही नहीं था कि शौर्य ऐसा कैसे कर सकता है। एक लंबी सांस लेते हुए उसने अपने आंसू पोंछे और बैग में कपड़े रखने लगी। उसने उस बैग में बस वही कपड़े रखे जो उसने खुद अपने कमाए पैसों से खरीदे थे। वो अपने साथ शौर्य से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं ले जाना चाहती थी। कुछ ही देर में उसने अपना सामान पैक कर लिया था। बैग पैक कर उसने अपने कबर्ड से 2 ज्वेलरी बॉक्स निकाले और फिर गले में जो चेन पहनी हुई थी वो निकालने लगी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अभी जिस जगह खड़ी थी ठीक उसी जगह वो कुछ साल पहले अपनी सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी के लिए रेडी हो रही थी, बस वही उसकी आंखों के सामने आ गया। वो मिरर के सामने खड़ी काजल लगा रही थी कि तभी शौर्य उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। मायरा ने तैयार होते हुए ही बड़े प्यार से उससे पूछा, शौर्य आज भी लेट? चलो जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ, पार्टी में सब हमारा वेट कर रहे होंगे। शौर्य ने उसके गले पर किस करते हुए धीरे से उसके कान के पास आकर कहा, यू आर लुकिंग गॉर्जियस जाना। उसकी इस बात पर मायरा शर्माने लगी। तभी शौर्य ने अपनी पॉकेट से एक चेन निकाली और उसे पहनाई। वो चेन मायरा पर बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे वो उसी के लिए ही बनी हो। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, ये कहते हुए उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। उस पल को याद करते हुए आज भी मायरा के चेहरे पर स्माइल आ गई थी, लेकिन अगले ही पल वो सिसकियां भरते हुए रोने भी लगी। खुद को संभालते हुए उसने अपने हाथ में ली चेन को दोबारा देखा, फिर उसे बॉक्स में रख दिया। दूसरा बॉक्स उनकी वेडिंग रिंग का था। उस रिंग को उसने आज से पहले कभी नहीं उतारा था। वो कुछ देर उस रिंग को देखती रही और उनकी शादी के पल याद करने लगी जो किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे।
और फिर आंसू पोंछते हुए उसने वो रिंग भी उतार दी। उसका दिल बहुत भारी हो गया था। वो इतने शौक में थी कि ये सब उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो कुछ देर रिंग को भी यूं ही देखती रही। वो एक कस्टमाइज्ड रिंग थी जिसके सेंटर में एक छोटा सा डायमंड था और साथ ही बहुत छोटे लेटर्स में शौर्य लिखा हुआ था, जिसे देख मायरा के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उसने हिम्मत की और इस रिंग को भी उस बॉक्स में रख दिया। फिर उसने एक नोट लिखा, शौर्य, तुमने मुझे जो भी दिया था वो सब मैं लौटा रही हूं, अब इन पर भी मेरा कोई हक नहीं। वो नोट उसने दोनों बॉक्सेस के साथ शौर्य के कबर्ड में रख दिया। उसने अपने साथ ऐसा कोई सामान नहीं लिया था जो शौर्य के पास का हो। वो क्लोजेट से निकल बाहर रूम में आई और आखिरी बार रूम को अच्छे से देखने लगी। इस रूम में उन दोनों की ढेर सारी यादें बसी थी। इस रूम को, यहां तक कि पूरे घर को मायरा ने खुद सजाया था। घर की हर एक चीज के साथ उसकी कई सारी यादें थी। तभी उसकी नजर उनके वेडिंग फ्रेम पर गई जो एक कबर्ड के पीछे पड़ी थी। ये देखकर वो मुस्कुराई। उसे पता था शौर्य ने ये गुस्से में रखी होगी। शौर्य कब क्या रिएक्ट करता है उसे सब पता होता था। अपनी आंखों में आंसू के साथ उसने कहा, बाय शौर्य, खुश रहना। जैसे शौर्य उसके सामने ही खड़ा हो। ये बोल वो रूम से बाहर आ गई। बैग के साथ जब वो नीचे उतर रही थी तब उसे देख घर का सारा स्टाफ बहुत दुखी हो रहा था। शौर्य सबको ऑर्डर्स देकर गया था कि अब उस घर में डीना रहने आने वाली है। इस बात से सब लोग समझ गए थे कि मायरा ये घर छोड़ रही है। मायरा को देखकर रितु उसके पास आई और बोली, मैडम आप ब्रेकफास्ट तो कर लीजिए। मायरा ने ना में अपना सर हिलाया। उसके चेहरे पर उदासी थी। वो कमजोर और मजबूर लग रही थी। शौर्य ने उसका दिल इतनी बुरी तरह तोड़ा था कि अब वो बस जल्द से जल्द इस घर से निकलना चाहती थी। सबको उसकी उदासी और मजबूरी साफ नजर आ रही थी, फिर भी उन्हें उसकी चिंता थी। इसीलिए एक आखिरी कोशिश करते हुए घर की कुक नीतू ने कहा, प्लीज मैडम आपने कल से कुछ नहीं खाया है, कुछ तो खा लीजिए। इस बात का जवाब देने के बजाय मायरा मुस्कुराते हुए बोली, तुम सब अपना ख्याल रखना। फिर एक मेल स्टाफ ने आगे आकर उसे एक चाबी देते हुए कहा, मैडम सर ने आपको ये कार की चाबी देने के लिए बोला था। ये चाबी घर की सबसे महंगी गाड़ी रोल्स रॉयस की थी। मायरा ने बिना चाबी देखे ही मना कर दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, शौर्य से कहना मुझे अब इन सब की कोई जरूरत नहीं। ये बोल बोलते ही वो घर से निकल गई। पैकिंग करते हुए ही उसने अपने लिए एक कैब बुक कर दी थी जो बाहर उसका इंतजार कर रही थी। एक आखिरी बार उसने अपने घर को देखा और फिर कैब में बैठ वहां से चली गई। कुछ घंटों बाद दीना अपना सामान लेकर वहां पहुंची। आते ही वो लिविंग रूम में जाकर बहुत कंफर्टेबल होकर बैठ गई, जैसे वो उसी का घर हो। वो इतनी ज्यादा खुश थी ये सोचकर कि वो जो चाहती थी वो उसे ऑलमोस्ट मिल ही गया है। उसका बस चलता तो वो आज ही एक ग्रैंड पार्टी देती। आखिर वो शौर्य के घर पहुंच गई थी। पूरे घर को निहारते हुए वो मन ही मन सोचने लगी, शहर का टॉप बिजनेसमैन शौर्य जायसवाल अब सिर्फ मेरा है। वो बहुत टाइम से शौर्य को अपने बस में करना चाहती थी मगर शौर्य हमेशा उससे दूर रहता था। लेकिन उस रात जो उसने प्लान बनाया आखिर वो काम कर ही गया। बस अब आगे वो अपने सारे प्लान्स सही से अंजाम देगी और इस बार उसका सबसे बड़ा हथियार उसके पेट में पल रहा बच्चा होगा। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर हंसी आ गई। थोड़ी देर बाद वो किचन में गई और नीतू को ऑर्डर देते हुए बोली, I want one black coffee. नीतू को उसे देख बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर उसने इशारा कर नीतू के पास खड़ी रितु को बुलाया, सुनो तुम
इधर आओ। रितु मुंह बनाते हुए उसके पास गई तो उसने ऑर्डर देते हुए उससे कहा, जाओ शौर्य के रूम से मायरा का सारा सामान निकाल दो, मुझे उसका कुछ भी वहां नहीं दिखना चाहिए। रितु ने उससे कहा, लेकिन मैम मुझे आज जल्दी घर जाना है, मैंने सर से हाफ डे का पूछ लिया था। उसके ये जवाब सुन डीना चिढ़ कर बोली, जो काम मैंने बोला है वो करो फिर चली जाना। ये सुनकर वो रूम में चली गई। मायरा का सारा सामान रूम में फैला हुआ था, उसे सब समेटने में 2-3 घंटे लग गए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ था जो पैक करना था। वहां मीटिंग रूम में सारे डिपार्टमेंट के हेड और सारे हाई लेवल के एम्प्लॉयज और मैनेजर्स जमा होकर सब शौर्य का वेट कर रहे थे। आज न्यू प्रोजेक्ट की लॉन्च मीटिंग थी, 10 मिनट हो चुके थे लेकिन शौर्य अब तक नहीं आया था। ये पहली बार हुआ था कि शौर्य लेट हुआ हो, इसलिए सब आपस में बातें करने लगे। लगता है कल की वजह से सर लेट है, एक फीमेल एम्प्लॉय ने दूसरी से धीरे से कहा ताकि कोई और उनकी बातें ना सुने। इस पर दूसरी ने हैरानी से पूछा, क्यों कल क्या हुआ था? तो पहली आंखें बड़ी करते हुए धीरे से बोली, तुझे नहीं पता? नहीं। अब दूसरी की एक्साइटमेंट बढ़ गई थी, तब उसने उसे बताया, कल सर की वाइफ आई थी, उस वक्त डीना सर के केबिन में थी और बोल रही थी कि वो प्रेग्नेंट है। सर की वाइफ ने ये सब सुन लिया और गुस्से में वहां से चली गई। ये बात सुनकर दूसरी फीमेल एम्प्लॉय का मुंह शॉक में खुला, ओह माय गॉड। हाँ यार, वैसे डीना काफी चालू लड़की है, मुझे फर्स्ट डे से ही उसकी नीयत ठीक नहीं लगती थी, आखिर उसने सर को फंसा ही लिया। हाँ उसकी तो शक्ल पर ही चालाकी दिखती है, जितना स्वीट वो बनती थी उतनी वो है नहीं, सर के सामने मासूम बनने का नाटक करती है बस। लेकिन उनकी वाइफ के साथ अच्छा नहीं हुआ। ऑफिस में भी सबको मायरा के लिए बहुत बुरा लग रहा था, तभी शौर्य रूम में आया। आज उसने ब्लैक फॉर्मल सूट पहना हुआ था, कल रात ना सोने के कारण उसके चेहरे पर थकान नजर आ रही थी। उसने सारा स्ट्रेस और टेंशन के बाद भी मीटिंग खत्म की, जो कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। मीटिंग खत्म करके वो अपने केबिन में गया और सिगरेट जलाई, एक के बाद एक वो पीता ही गया, जैसे सिगरेट के धुएं के साथ उसका दर्द भी बाहर आ जाएगा। कुछ देर बाद वो ये भी भूल गया कि उसने कितनी सिगरेट जलाई थी, पूरे केबिन में धुआं भर गया था। उसी धुएं के कारण अब उसकी आंखें जलने लगी थी। वो खिड़की के पास गया और उसे खोल दिया, जिससे धीरे धीरे धुआं बाहर जाने लगी। उसके दिमाग में अभी भी कल की बातें चल रही थी। उसे सबसे ज्यादा दुख मायरा को इतना हर्ट करने का था, लेकिन उसके पास और रास्ता भी क्या था? डीना के पेट में मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को तो नहीं? यही सब सोचते हुए उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जिसे उसने ना चाहते हुए भी रोक लिया। अचानक से उसका हाथ अपने सर पर गया जो बहुत तेज दुख रहा था। उसने अपना फोन निकाला और फोन का वॉलपेपर देखने लगा, जिसमें अब भी उसकी मायरा के साथ ही फोटो लगी हुई थी। वो पिक्चर उसकी फेवरेट पिक्चर थी। ये तब की थी जब उसने मायरा को शादी के लिए प्रपोज किया था और मायरा ने हाँ कहा था, जिसके बाद उसने ये सेल्फी ली थी। ये देखते ही उसने जल्दी से उसे चेंज किया और फोन अपनी पॉकेट में डाल दिया। वहां घर में रितु ने कुछ और घंटे काम कर मायरा का सारा सामान बॉक्सेस में पैक कर स्टोर रूम में रख दिया था। अब उस रूम में मायरा का कुछ भी नहीं था। उसने रूम को अच्छे से साफ कर बाकी चीजों को वापस उनकी जगह पर रख दिया था, लेकिन इन सब कामों में उसका पूरा दिन निकल गया था। सारा काम निपटा कर वो नीचे आकर नीतू के साथ किचन में खड़ी हुई थी कि पीछे से उन्हें एक आवाज आई, तुम दोनों अब तक यहाँ क्या कर रही हो? और रितु तुम्हें तो आज छुट्टी चाहिए थी ना, तुमने सुबह मुझसे कहा भी था। उसे यूं सीरियस लुक में देख रितु थोड़ा डरते हुए बोली, सर वो डीना मैडम ने कुछ काम करने को कहा था, इसलिए मैं नहीं जा पाई और मैंने छुट्टी कैंसिल कर दी। उसकी आवाज
बोलते हुए टूट रही थी। वहां सारा स्टाफ शौर्य से डर कर ही रहता था, और अब तो मायरा से लड़ाई के बाद शौर्य के चेहरे पर और ज्यादा सीरियस लुक रहता था। शौर्य ने आगे कुछ नहीं पूछा और सीधा अपने रूम में चला गया। उसने देखा दीना विंडो के पास खड़ी थी। उसे अपने रूम में देख शौर्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने बैग टेबल पर रखा तो हल्की आवाज से दीना ने मुड़कर देखा, और जब उसकी नजर शौर्य पर गई तो तुरंत उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो शौर्य के पास गई और उसके हाथ में हाथ डालते हुए बहुत प्यार से बोली, आज काम ज्यादा था क्या? उसके हाथ को हटाते हुए शौर्य ने बिल्कुल फॉर्मल तरीके से हां में अपना सर हिलाया और फिर थोड़ी कड़क आवाज में बोला, दीना। दीना हैरानी से उसे देख रही थी। अगली बार से घर के कोई भी स्टाफ से उनकी छुट्टी वाले दिन कोई काम करने को मत बोलना। ये स्टाफ हमारी हेल्प के लिए है, और इनकी मजबूरी का फायदा मत उठाना। वो जब चाहे तब छुट्टी ले सकते हैं। उसकी इस बात पर दीना ने मुंह बना लिया था। शौर्य की आवाज में वो उसके गुस्से को महसूस कर सकती थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, आखिर उन दोनों लड़कियों की हिम्मत कैसे हुई शौर्य से मेरी कंप्लेन करने की? अगली बार से ऐसा ना हो, इसका सबक तो उन दोनों को देना ही पड़ेगा। वो यही सब सोच रही थी कि शौर्य ने उससे कहा, और हाँ दीना, मैंने तुम्हें इस घर में रहने के लिए बुलाया था, इस रूम में नहीं। ये रूम आज भी मेरा और मायरा का ही है। मैं किसी से कहकर तुम्हारा लगेज दूसरे रूम में शिफ्ट करवा दूंगा। इसके अलावा तुम जिस रूम में रहना चाहो रह सकती हो। उसके इतना कहते ही दीना बिना कुछ कहे बस एक नजर उसे देख वहां से चली गई। अंदर ही अंदर तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कहना चाहती थी, इसीलिए बस वहां से निकल गई। कुछ दिन बाद मायरा को गए हुए आज 5 दिन हो चुके थे। शौर्य रात में घर के गार्डन में बैठा हुआ था। आजकल उसके चेहरे पर या तो गुस्सा दिखता था या फिर कुछ भी नहीं होता था। आज उसके एक हाथ में विस्की का ग्लास और सिगरेट थी तो दूसरे हाथ में फोन। गार्डन में रखी चेयर पर बैठकर वो आसमान को देख रहा था और मायरा के बारे में सोच रहा था। रात में वो दोनों इधर ही बैठकर घंटों बातें किया करते थे। बातें ज्यादा मायरा ही करती थी, वो बस उसे सुनता रहता था। मायरा की आवाज सुनकर ही उसके सारे दिन की थकान और टेंशन कहां गायब हो जाती थी उसे पता भी नहीं चलता था। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। विस्की पीते हुए उसने अपना फोन देखा। उसने फेसबुक पर जाकर मायरा की प्रोफाइल खोली और देखा कि मायरा ने सारी फोटोज डिलीट कर दी थी। उसने दोबारा देखा तो उसे पता चला कि मायरा ने उसे अनफ्रेंड भी कर दिया था। उसने जल्दी से व्हाट्सएप खोला तो उधर भी उसे उसकी डीपी के साथ लास्ट सीन भी नहीं दिख रहा था। ये देख वो परेशान हो गया। उसने तुरंत ही कुछ टाइप किया लेकिन फिर डिलीट कर दिया, और फिर कुछ टाइप किया और फिर से डिलीट कर दिया। वो ये नहीं दिखाना चाहता था कि वो परेशान है। कुछ देर यही सब करने के बाद उसने गुड नाइट की कोई पिक्चर सेंड कर दी। उस पिक्चर में एक ही टिक आया, ये देख तो उसका दिल ही बैठ गया था। Has she blocked me? शौर्य ने कभी नहीं सोचा था कि मायरा उसे ब्लॉक कर सकती है। क्या वो उसे इतनी नफरत करने लगी थी कि वो उसे ब्लॉक ही करते? उसने 2-3 मैसेज और किए लेकिन सब पर एक ही टिक था। ये बात सोचते हुए ही उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब उसने मायरा को नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज भेजा, मुझे अभी अनब्लॉक करो। वो मैसेज भी डिलीवर ही नहीं हुआ। शौर्य के लिए इस बात को एक्सेप्ट करना ही मुश्किल हो रहा था कि मायरा ने उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल दिया था। उसने गुस्से में फोन को कसकर पकड़ा जैसे वो उसे तोड़ ही देगा, फिर बिना कुछ सोचे मायरा को कॉल कर दिया। एक रिंग जाने के बाद एक ऑटोमेटेड वॉइस स्टार्ट हो गई, द नंबर यू आर कॉलिंग इज करेंटली बिजी।
उसने फिर कॉल किया। इस बार भी वही हुआ, एक रिंग जाकर कॉल बिजी बताने लगा। What the hell? उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। मायरा ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। मायरा उससे इतनी नफरत करती है, ये उसने उन दोनों के बीच एक ही पल में सब खत्म कर दिया। वो पूरी रात गुस्से में तड़पता रहा। वहां मायरा ने अपना सामान लेकर घर छोड़ तो दिया था, मगर उसे नहीं पता था कि वो अब कहां जाएगी। वो 5 दिन से होटल के एक कमरे में ही रह रही थी। वो उस कमरे से बाहर तक नहीं निकलती थी। रात दिन बस रोती रहती थी। उसका दिल उस शख्स ने तोड़ा था जिसके बारे में उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो उसके साथ ऐसा करेगा। उसके शौर्य ने उसे धोखा दिया था। किसी और लड़की के साथ वो, ये सोचते ही उसकी धड़कन रुक सी जाती थी। इन्हीं सब ख्यालों में मायरा बेसुध बेड पर लेटी हुई थी। फिर न जाने अचानक उसे क्या हुआ, वो बिस्तर से उठी और मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से अभी भी आंसू टपक रहे थे। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी और ढंग से कुछ ना खाने की वजह से चेहरा पीला पड़ गया था। आंसू पोंछते हुए वो खुद को ध्यान से देखने लगी और फिर अपने चेहरे को छू कर बोली, मुझ में क्या कमी है? क्या कमी है कि शौर्य उसके पास चला गया? और जोर जोर से रोने लगी। फिर अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ कर नीचे बैठ गई। अभी भी वो खुद को मिरर में देखे जा रही थी। इतनी मजबूर और अकेली वो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। शौर्य हर पल उसके साथ रहता था। वाय शौर्य, वाय, तुमने क्यों छोड़ दिया मुझे? तुमने तो प्रॉमिस किया था ना कि हमेशा साथ रहोगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को जोर से पकड़ लिया हो। वो इतने दर्द में थी और इस वक्त उसे संभालने के लिए कोई नहीं था। उसके दिल के साथ उसकी उम्मीद और विश्वास भी टूटकर बिखर चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब तक की उसकी जिंदगी में ये अचानक हुआ क्या। एक रात पहले सब कुछ ठीक था। शौर्य उससे कितना प्यार करता था और अगले ही दिन उसकी परफेक्ट लाइफ एक झटके में बिखर गई। जिस चीज के बारे में उसने अपने बुरे ख्वाब में भी कभी नहीं सोचा था, वो उसके साथ हो गया था। उसने ऊपर देखते हुए कहा, आपने ऐसा क्यों किया? एक ही तो शख्स था मेरे पास इस पूरी दुनिया में, आपने उसे भी मुझसे अलग कर दिया। अब भगवान ही था जिससे वो शिकायत कर सकती थी। उसकी जिंदगी में कोई और था ही नहीं जो उसका दर्द समझ सके। उसका दिमाग उसे जितना ज्यादा बोल रहा था कि वो शौर्य को भुला दे, उसका दिल उतना ज्यादा उसे शौर्य की याद दिला रहा था। उस कमरे में अब उसका दम घुटने लगा था। वो पास में रखी चेयर का सपोर्ट लेते हुए खड़ी हुई और लड़खड़ाते हुए अपने सूटकेस तक पहुंची। वो बिना कुछ सोचे समझे बस सामान पैक करने लगी और खुद से बोलने लगी, मुझे यहां से जाना होगा। मायरा, तुम्हारा अब यहां कुछ नहीं बचा, यहां से मुझे जाना। इस वक्त ना तो उसका दिमाग काम कर रहा था ना ही दिल। वो सोच सोच कर पागल हो चुकी थी। उसने अपना सामान पैक किया और होटल से चेकआउट कर लिया। होटल के बाहर खड़े हुए वो खुद से बार बार बस यही बोल रही थी कि मुझे यहां से जाना है, बहुत दूर, बस यहां से जाना है। उसे नहीं पता था कि वो कहां जाना चाहती थी। वो चलने लगी। उसे कुछ होश ही नहीं था कि वो क्या कर रही है। चलते हुए उसे एक कैफे दिखाई दिया और वो अंदर जाकर बैठ गई। उसके आगे एक टेबल छोड़कर एक कपल बैठे थे। मायरा उन दोनों को देखने लगी। वो आपस में कुछ बातें कर रहे थे और काफी खुश नजर आ रहे थे। लड़के ने लड़की के कान में कुछ कहा जिसे सुनकर वो शर्मा कर हंसने लगी। कुछ ही देर में वेटर एक केक लेकर आया। केक देखकर लड़की बहुत ज्यादा खुश हो गई। लड़के ने केक पर कैंडल जलाते हुए कहा, कैसा लगा सरप्राइज? तो लड़की ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करती है।
दोनों ने साथ में मिलकर केक काटा और एक दूसरे को खिलाते हुए विश किया, हैप्पी एनिवर्सरी बेबी, लड़की ने उसे गाल पर किस करते हुए कहा। थैंक यू जाना, आई एम सो लकी टू हैव यू। ये सब मायरा की आंखों से दोबारा आंसू आने लगे थे। उन दोनों को देखकर उसे वो सब कुछ याद आने लगा। कुछ साल पहले उसे भी शौर्य ने ऐसा ही तो कहा था, मैं बहुत लकी हूं जाना कि तुम मेरी लाइफ में हो। वो उसे जाना कहकर बुलाता था। ये सब याद करते ही मायरा को लगा जैसे उसके सीने पर किसी ने इतनी भारी चीज रख दी है कि उसकी सांसें ही रुक गई। वो जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ गई। गेट लगाते ही वो वहां जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर वहां एक लड़की उसके पास आई और उससे पूछने लगी, हे, आर यू ओके? उस लड़की ने मायरा की तरफ जैसे ही देखा तो वो उसकी हालत देखकर डर गई। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और इतनी सर्दी में भी उसने सिर्फ एक पतला सा टॉप पहना था। उस लड़की को देखकर ही समझ आ गया था कि मायरा के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। मायरा ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, आई एम सॉरी। और इससे पहले कि वो लड़की कुछ और पूछती, मायरा वहां से बाहर निकल गई। वो अपनी सीट से अपना बैग उठा रही थी कि वहां वेटर आया और उससे बोला, मैम, वुड यू लाइक टू ऑर्डर समथिंग? मायरा ने अपना सर ना में हिलाया और वहां से चली गई। उसने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठते हुए बोली, स्टेशन चलो भैया। रेलवे स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था, कुछ 15 मिनट में ही वो स्टेशन पर खड़ी थी। उसे नहीं पता था वो कहां जाए, बस वो यहां से दूर जाना चाहती थी, बहुत दूर, जहां शौर्य की कोई याद ना हो। अपने आंसू पोंछते हुए वो धीरे धीरे टिकट काउंटर के पास गई। टिकट वाले ने मायरा से पूछा, किधर का टिकट चाहिए? मायरा अपनी सोच में गुम सी खड़ी थी। टिकट वाले ने उससे फिर से पूछा तो अपनी सोच से बाहर निकली और ट्रेन की लिस्ट बोर्ड को देखने लगी। सबसे पहले जाने वाली ट्रेन का नाम था न्यू दिल्ली मुंबई सेंट्रल राजधानी एक्सप्रेस। मायरा ने मुंबई पढ़ते ही उसी ट्रेन की टिकट खरीद ली। प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठकर वो ट्रेन का इंतजार कर रही थी। जिंदगी भी किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। ये वही ट्रेन थी जिसमें मायरा कुछ साल पहले बैठकर मुंबई में अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए दिल्ली आ गई थी, और शायद उसके बाद आज पहली बार वापस मुंबई जा रही थी, और वो भी इसी ट्रेन से। वो ये सब सोची रही थी कि अचानक उसका फोन बजने लगा। उसने जल्दी से अपने बैग से फोन निकाला, इस उम्मीद से कि शायद शौर्य उसे फोन कर रहा हो, शायद वो उसे रोक ले और माफी मांगकर उसे अपने पास वापस बुला ले। पर जब उसने फोन देखा तो उस पर श्रेया कॉलिंग फ्लैश हो रहा था। शौर्य के कॉल के इंतजार में वो ये भूल गई थी कि उसने खुद उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। श्रेया का नाम देख उसने फोन वापस अपने बैग में रख दिया। वो उसे कितने दिनों से रोज 5-6 बार कॉल कर रही थी, लेकिन मायरा में उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं थी। कुछ दिन पहले वो इतनी कॉन्फिडेंटली श्रेया के सामने शौर्य को डिफेंड कर रही थी, कैसे उसने कहा था कि उसका शौर्य तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। लोग सच ही कहते हैं, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। मायरा, जो शौर्य की दूसरों से तारीफें करते नहीं थकती थी, वो आज अपनी ही बेस्ट फ्रेंड से बात नहीं कर पा रही थी। शौर्य, तुमने मुझसे सब छीन लिया। अपने मन में सोचते हुए उसकी आंखें फिर गीली हो गई। प्यार इंसान को कितना कमजोर और बेबस बना देता है। उसे हमेशा यही लगता था कि शौर्य उसकी ताकत है, शौर्य का प्यार उसे इस दुनिया के गमों से बचा कर रखेगा, लेकिन वो गलत थी। शौर्य उसकी सबसे बड़ी कमजोरी निकला। उसने जो मायरा को दर्द दिया था, वो उसे पूरी दुनिया भी देती तो कम था। उसकी यही सब बातें सोचते हुए ट्रेन भी आ गई थी। वो ट्रेन में बैठी और खिड़की के बाहर देखने लगी। थोड़ी ही देर में ट्रेन की सीटी बजी और धीरे धीरे ट्रेन चलना शुरू हुई। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ रही थी,
मायरा की सांसें भी तेज होती जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसका दिल और जान वही पीछे छूटता जा रहा है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि अब वो यहां कभी नहीं आएगी। वो शौर्य से दूर जा रही थी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उससे दूर, बहुत दूर। उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसकी सांसें भी अब बहुत तेज हो गई थी, इसीलिए उसने अब मुंह से सांस लेना शुरू कर दिया था। सामने बैठे एक आदमी ने उसे यूं देखा तो उसने जल्दी से पानी की बोतल खोलते हुए उसे दी। आप ठीक तो है ना, उसने परेशानी में पूछा। मायरा ने पानी पिया और अपने आंसू पोंछकर दोबारा खिड़की के बाहर देखने लगी। वो आदमी भी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, इसीलिए फिर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2-3 घंटे बाद एक स्टेशन से एक कपल चढ़ा और मायरा की साइड वाली बर्थ पर आकर बैठ गया। उनके साथ उनका एक बच्चा भी था। वो बच्चा लगभग 1 साल का होगा। मायरा उस बच्चे को देखने लगी। बच्चा बहुत ही क्यूट था। वो भी उसे काफी ध्यान से ही देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद वो बच्चा मायरा को देखकर मुस्कुराने लगा। बहुत दिनों बाद कोई मायरा को देखकर खुश हुआ था। मायरा भी उसे देखकर थोड़ी सी स्माइल करने लगी। बच्चे की मां ने देखा कि वो किसको देखकर हंस रहा है तो उस औरत की नजर मायरा पर गई। उसकी हालत देखकर उसे अजीब लगा। उसके चेहरे पर इतनी कमजोरी थी। उसने कितने दिनों से अपने बाल भी नहीं बनाए थे, सारे बाल बिखरे हुए थे। ये सब देख फिर वो औरत अपने बच्चे का ध्यान भटकाने लगी। मायरा के सामने बैठा हुआ आदमी अपना काम करते हुए बीच बीच में मायरा को भी देख रहा था। उसे इतना तो समझ आ गया था कि जरूर उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसके ड्रेसिंग स्टाइल से वो बहुत कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट लग रही थी, लेकिन चेहरे से बहुत कमजोर और मजबूर। दिल्ली से मुंबई तक का सफर काफी लंबा था, लेकिन ये ट्रेन सिर्फ 15 घंटे में पैसेंजर्स को मुंबई तक ले जा रही थी। रात के 11 बज चुके थे। सब अपनी सीट पर कंफर्टेबल होकर लेट गए थे। मायरा दिल्ली से जिस पोजीशन में बैठी थी वो अब तक वैसे ही बैठी हुई थी। बैठे बैठे ही उसे नींद आ गई थी। वो अपनी नींद में बड़बड़ाते हुए कुछ बोल रही थी और फिर वो नींद में ही रोने भी लगी। इसी बीच उस आदमी की नजर मायरा पर गई। उसने देखा तो वो मायरा को उठाने के लिए उसके पास गया। हेलो मैम, उसने उसे कंधे से हिलाते हुए जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। तभी उसे फील हुआ मायरा की बॉडी बिल्कुल ठंडी थी। ट्रेन में एसी तो इतना तेज चल भी नहीं रहा था। उसने तुरंत अपना जैकेट उतारा और मायरा पर डाल दिया। उस आदमी को इतना तो पता चल गया था कि मायरा का दिल टूटा है, और ना जाने क्यों वो उसके दर्द को भी समझ पा रहा था। वहां डीना शौर्य से एकदम चिपक कर उसके साथ बैठी थी। वो दोनों लिविंग एरिया के काउच पर बैठे थे। वो उसकी टाई से खेल रही थी, जबकि शौर्य तो कल रात के बाद जैसे एकदम चुप ही हो गया था। डीना ने शौर्य की तरफ देखा। उसका फेस, उसकी ब्लैक आईज और उसके लिप्स, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। अपने मन में सोचते हुए वो बोली, कितना हैंडसम और सेक्सी है ये। फिर उसे और कसकर हग करते हुए बोली, शौर्य क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो? वो शौर्य के सामने बहुत स्वीट बनकर रहती थी, लेकिन शौर्य तो एकदम चुप था। फिर मासूम सी आवाज में वो आगे बोली, आई एम सो सॉरी शौर्य, मैंने बिना तुमसे पूछे मायरा का सारा सामान रूम से निकाल दिया। मैंने ये बस इसीलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम अब उसके बारे में सोचो। वो तो तुम्हें छोड़कर चली गई। मैं बस ये चाहती हूं कि तुम मेरे और हमारे बच्चे के बारे में सोचो। डीना ने ऐसे कहा ताकि वो मजबूर और बेचारी लगे। शौर्य ने उसे पिछली रात बहुत डांटा था। उसके मना करने के बाद भी वो बार बार बेडरूम में आ जाती थी। फिर मायरा का सारा सामान भी उसने स्टोर रूम में रखवा दिया था। शौर्य ने उसे एक गेस्ट रूम में रुकवाया था।
डीना को वहां रहकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो उससे इस बारे में कुछ नहीं बोल पा रही थी। वो लगातार कुछ ना कुछ बोले जा रही थी, लेकिन शौर्य ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो एक पल के लिए भी मायरा को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। मायरा का उस घर में अब कोई सामान नहीं था, जैसे वो यहां कभी रही ही नहीं। शौर्य ने डीना की तरफ देखा, जो अभी उसकी बाहों में थी। उसे देखते ही उसे वो रात याद आने लगी जिस रात वो उससे अट्रैक्ट हुआ था। उस रात जो कुछ भी हुआ उसी की वजह से वो आज यहां थी। वो उस रात के बारे में सोचना तक नहीं चाहता था। उसके लिए वो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जिसे शायद वो कभी ठीक भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, इसीलिए उसका ये फर्ज बनता था कि वो उसे खुश रखे और उसका ध्यान रखे। इसी वजह से ही तो वो उसे अपने घर भी लाया था। उसने डीना से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी। अचानक उसके मुंह से सॉरी सुनते ही डीना का चालाक दिमाग चलने लगा। जितना हो सके वो उसे कंट्रोल करना चाहती थी। यही सोचते हुए उसने उसे कसकर पकड़ा और बोली, इट्स ओके, मैं जानती हूं तुम मायरा को इतनी जल्दी भुला नहीं पाओगे, लेकिन जब ये बच्चा आ जाएगा ना तो देखना, हमारी छोटी सी फैमिली बहुत ज्यादा खुश रहेगी। ये बोलते हुए उसने अपने पेट पर हाथ रखा। शौर्य कुछ नहीं कर सकता था, ये उसकी ही चॉइस थी। वहां स्टेशन आते ही लोगों की आवाजों से मायरा की नींद खुली। उसने धीरे से आंखें खोलते हुए अपने आसपास देखा तो सुबह हो चुकी थी। लोग अपना सामान लेकर ट्रेन से उतर रहे थे। उसने खिड़की के बाहर देखा, ट्रेन मुंबई स्टेशन पर खड़ी थी। अपने बाल बांधते हुए उसने देखा कि उसके ऊपर किसी का जैकेट है। उसने जैकेट अपने हाथ में उठाकर देखा तो उसे पता चला कि ये तो उसका नहीं है, और उसने तो कोई जैकेट पहना भी नहीं था, और ऊपर से ये तो मेंस जैकेट थी। वो सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतरी और जैकेट को दोबारा ध्यान से देखने लगी। ये बहुत महंगे ब्रांड की थी। वो मन ही मन सोचने लगी, 10,000 से तो ज्यादा की ही होगी। इतनी महंगी जैकेट कोई छोड़कर क्यों चला गया भला। उसने उसके पॉकेट्स देखना शुरू किया, तभी उसे एक पॉकेट में से एक विजिटिंग कार्ड मिला जिस पर लिखा था, अर्जुन राठौड़।